लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्य मां विजानीयान् नामन्येत कर्हिचित् नामार्थ बुद्ध्या स्वेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम। हे परम प्रियतम। पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तुमसे विमुख होने के कारण। तुमसे विमुख होने के कारण। अनादि काल से हमने। अनादि काल से हमने। अनंतानंत दुख पाए। अनंतानंत दुख पाए। एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते। पाप करते करते। अंतःकरण। अंतःकरण। इतना मलिन हो चुका है कि। इतना मलिन हो चुका है कि। रसिकों द्वारा। रसिकों द्वारा। यह जानने पर भी। यह जानने पर भी। कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे। कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे। अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से। अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण। हे अशरण शरण। तुम्हारी कृपा के बिना। तुम्हारी कृपा के बिना। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में। हे अकारण करुण। हे अकारण करुण। पतित पावन श्री कृष्ण। पतित पावन श्री कृष्ण। तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही। तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही। हमको अपना लो। हमको अपना लो। हे करुणा सागर। हे करुणा सागर। हम भुक्ति मुक्ति आदि। हम भुक्ति मुक्ति आदि। कुछ नहीं मांगते। कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल। हमें तो केवल। तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही। तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही। एकमात्र चाह है। एकमात्र चाह है। हे नाथ। हे नाथ। अपने विरत की ओर देखकर। अपने विरत की ओर देखकर। इस अधम को निराश ना करो। इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन। हे जीवन धन। अब
बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतः प्रेम भिक्षा देहि, प्रेम भिक्षा देहि, प्रेम भिक्षा बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सतगुरु सरकार की जय। जय जय I'm
जुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम पट पीत मान नौमी जनक सुतावरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भज दीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसी कामादि खल दल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज
हमारी मैयान ने तो बोरे बोरे लड़के चुने और तेरी मैया ने काला लड़का चुना, तो गलती तो मैया की है ना। तो मैया तूने काला क्यों चुना है? मैं तो सगाई नहीं करूं, ब्याह नहीं करूंगी उस। ठाकुर जी से किशोरी जी का ब्याह भी हुआ था किसी अवतार में, किसी अवतार में ब्याह नहीं हुआ था। दोनों प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में, इसलिए इन सब विषयों पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। वो अकेले तो है ही है, दो शरीर धारण कर लिए तो ब्याह करो ना करो दोनों एक हो जाओ, खाली किशोरी जी रह जाए ठाकुर जी किशोरी जी में लीन हो जाए, या खाली ठाकुर जी रह जाए किशोरी जी ठाकुर जी में लीन हो जाए, या 4-6-10 हजार करोड़ बन जाए, ये सब लीला क्षेत्र की बातें हैं। इसलिए इन बातों पर कभी ध्यान मत देना कि गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, देवी भागवत ग्रंथ में ऐसा लिखा है। अलग अलग अवतारों में अलग अलग प्रकार की लीला होती है। विवाह होना न होना ये कोई सेंस नहीं रखता है। देखो एक बात बतावे रहस्य की आप लोगों को, बता देते हैं आप लोग को समझे न समझे। नजात ब्रज गोपी नाम पतिभिस्त संगम, गोपियां जो थी विवाहिता उनका अपने पतियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं हुआ, क्या हो गया भागवत कहती। और पाययंत्य शिशून पाया, ये भी भागवत में आया है। यानी जब गोपियों ने श्याम सुंदर की मुरली सुना महाराज के समय, तो अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई छोड़कर भागी। अब सोचिए विरोधाभास, जब पति से उनका संग नहीं हुआ तो शिशु कैसे हुए? और अपने शिशुओं को पाययंत्य पाया, दूध पिलाती हुई माताएं अपने बच्चों को पटक करके भागी। ये नहीं कि सुला करके जाए या किसी को दे के जाए, थोड़ा तुम संभाल लो भाई, जो जरूरी काम आ गया या पेट में दर्द हो गया लेकिन जा रहे हैं, कोई बहाना करे कम से कम, ऐसा कुछ नहीं। मुरली सुनते ही बच्चे को यो पटका यो भागी। इतना समय नहीं है कि वो किसी से कहे बच्चे को संभाल लो। अगर एक तरफ कंघी किए है तो कंघा पटक कर वैसे ही भागी, अगर एक पैर में पायल पहन रही है स्त्री दूसरे पैर में नहीं पहना तो बस नहीं पहने भागी। और कोई कोई मान लो कंचुकी चोली पहनने जा रही थी मुरली बजी तो चोली लेकर के भागी, पहनने का होश नहीं, समाधिस्थ। वो मुरली नहीं थी, वो ऐसी चीज थी उस मुरली में कि गोपियों का प्राण खिंच गया उससे। जो जो अधिकारिणी गोपियां थी जिन जिनको वरदान मिला था या जो वो लोग से आई थी, अरे थोड़ी बहुत झांकी मिलिट्री में भी मिलती है, जब कोई ऐलान बचता है खतरे का तो वहां ऑर्डर होता है कि अगर तुमने पैंट न पहना हो तो मत पहनो भागो। तो डर के मारे भागते हैं, वहां प्यार के मारे सब भागे थे। तो मेरा ये कहना है कि शिशुन पया पायंत्या परित्यज्य, दूध पिलाती हुई माताएं अपने बच्चों को छोड़कर मुरली नाद पर भागी, यानी बच्चे हुए। और परकिया भाव किसी में बनेगा जो उनके पति हो और चोरी चोरी श्याम सुंदर से प्यार करे, वही परकिया भाव है। और अगर किसी का विवाह नहीं हुआ, ऐसी गोपियां हैं तो वो तो सुखिया ही है, उनको किसका डर पड़ा हुआ। तो ये योग माया के द्वारा ये सब क्रियाएं हुई हैं।
जैसे जब महाराज हुआ था और जो स्त्रियां विवाहिता श्याम सुंदर के पास गई और एक रात नहीं ब्रह्म रात्रि तक त्रास हुआ है, तमाम वर्ष की एक रात बन गई है योग माया के द्वारा। रंशत साई मां छपा, भागवत कहती है मैं इन रात्रियों में महाराज का सुख दूंगा। है भगवान ने वरदान दिया था चीरहरण के समय, इन रात्रियों में, रात्रि में नहीं, छपा बहुवचन। तो तमाम रात्रियों की एक रात्रि बनाया था योग माया से। अरे ये तो मामूली योगी लोग कर लेते हैं, श्री कृष्ण के लिए बहुत बड़ी भारी बात है। और उतनी लंबी रात्रि में सारा संसार सोता रहा सुषुप्ति अवस्था में, किसी को पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी रात हो गई। यहां तक कि जो गोपियां गई उनके पतियों को भी नहीं मालूम पड़ा। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान तारान ब्रजौ कसा भागवत। जितने पति लोग हैं उन्होंने यही महसूस किया कि हमारी श्रीमती हमारे ही पास है, आलिंगित अवस्था में है, हमारी खाट पर है, टटोल टटोल कर देखते रहे, है ना हमारी स्त्री है, ये नहीं गई रात चली गई। लेकिन योग माया के द्वारा भगवान ही उसकी स्त्री बनकर के उसके पास लेते हुए थे ताकि उसको भ्रम न हो। ये सब खिलवाड़ की बातें हैं, योग माया से ये सब ऐसे ही हो जाता है, यानी इसमें कोई एक सेकंड का तक टाइम लगता है न कोई परिश्रम होता है, भगवान को उसकी नौकरानी है, योग माया उस जैसा अपना कर देती है सब। आप लोगों को लगता है कितनी मेहनत पड़ी होगी श्री कृष्ण को ये सब करने में, कुछ नहीं, बस संकल्प आदिवास पितर समुदी संकल्प किया और हो गया। तो यहां पर मैया पर दोषारोपण हो रहा है कि तूने मेरे लिए काला काला पति चुना है, ऐसा सखियां कह रही हैं। तो क्या करें सखियां, सारी सखियों ने कात्यायनी व्रत किया कि श्याम सुंदर हमारे पति हो, लेकिन वो मिल गए किशोरी जी को तो सब खिसिया गई। अब खिसिया कर क्या करें, चिढ़ाएंगे तो करें क्या। अरे भाई किसी को कोई सामान की आशा हो और किसी और को मिल जाए, उसको न मिले तो फिर लोग अपना झूठी सच्ची जो भी बुराई हो और बुराई बिचारी क्या करे। तुमने कहा एक रंग की बुराई है ऐसी जो कही जा सकती है श्याम सुंदर में, बाकी कोई बुराई करोगे तो पकड़ जाओगे, क्योंकि सभी दीवानी है उनके मुरली की हर चीज। लेकिन रंग काला है ये तो डिक्लेयर्ड है, इसके लिए क्या कहेगा कोई। तो किशोरी जी को केवल इतनी बात खल रही है कि जिससे हमारी सगाई हो रही है वो काला है, इससे हो रही है ये भी किशोरी जी नहीं जानती। तो मैया अगर वो काला है ये सच है, सखियों की बात सही है, तो मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी, कान खोल कर सुन ले, मेरा भी पति गोरा होना चाहिए, मेरी सगाई गोरे गोरे लड़के से कर ले, बस सीधी सी बात। जो यहां साचू माय नहीं करी हो, माए 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 माए
मैया के कान में फिर मंत्र फूंका और कहा, मैया लाली तो भोजू भट्ट है, पट्टी पढ़ा दे इसको। क्या पट्टी पढ़ावे? इससे कह दी मैया कि देख लाली कि जितने गोरे गोरे लड़के हैं ये बड़े होने पर काले हो जाते हैं, और जितने काले काले लड़के हैं ये बड़े होने पर गोरे हो जाते हैं। तो तेरी सगाई जिससे हो रही वो काला है तो बड़े उबड़ा जब होगा वो तो गोरा बन जाएगा, और जितनी सखियों के गोरे गोरे पति हैं ये सब काले हो जाएंगे। तब फिर तू सबको चिढ़ाना। तो किशोरी जी किलकने लगी, दो ही दांत तो निकले थे अभी, तब तो बड़ा अच्छा है, सबके काले हो जाएंगे, हमारा गोरा हो जाएगा। बड़े भाई बड़े भाई लाली सब कारे, सीता मिथिलायाञ्च
वत्साया द्रौपदी सती। श्री कृष्ण ने राधा को स्मरण कराया था कि तुम पहले सीता थी और मैं राम था। तो कृपाली याद दिला रहा है कि जब तुम पहले सीता थी तब भी गोरी थी, अब भी गोरी हो, तुमने तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, उस समय तुम्हारे पति जो राम थे वो भी काले थे। गोरी जी ने मन ही मन में सोचा बात तो ठीक है, तो फिर उन्हीं राम को आज तुम्हारे यहाँ सारे ब्रजवासी राम राम करते हैं सवेरे उठ के। अरे राम राम धन सुखा, अरे मन सुखा राम राम, सवेरे उठकर सब जय राम जी की करते हैं, क्योंकि कृष्णावतार तो अभी हुआ है। कृष्णावतार होके जब श्री कृष्ण चले जाएंगे संसार से, तब जय श्री कृष्ण जय राधे हुआ करेगा। उसके पहले तो जय राम जी की होता था, इसी का प्रचार था। तो देखो सवेरे उठ के सब बाबा मैया राम राम करते हैं। हाँ करते हैं, तो राम भगवान थे ना। किशोरी जी भीतर भीतर मुस्कुराती है, हाँ भगवान ही थे, तो वो भी तो काले थे। हाँ वो भी काले थे, इशारा कर दिया कि वो तुम्हारे कौन लगते थे। मतलब कृपालु का ये है कि अगर मान लो ये कुछ और बड़ी हुई तो फिर कहेंगी कि वो तो कोई गोरे नहीं हो रहे काले, अब काफोरे वाले काले नहीं हो रहे। मैया तुमने तो कहा था कि सब काले गोरे हो जाएंगे और गोरे काले हो जाएंगे, तो ये चक्कर फिर ना आ जाए। इसलिए कृपालु ने अपना एक अलग पॉइंट और रख दिया कि तुम्हारे पति भी थे राम और भगवान भी थे और वो काले थे। अगर कहीं बाई चांस वैसे ही जिनसे तुम्हारी सगाई होने जा रही है वो भी भगवान निकल पड़े, तब तो कोई खराबी नहीं है। अरे भगवान का तो नाम सब लोग लेंगे, सब उनकी पूजा करेंगे, तुम्हारे पति की तो तुमको कितनी खुशी होगी। ये बात भी कृपालु ने कह दिया किशोरी जी से, ताकि भविष्य में अगर मैया की बात से कोई डेंजर पैदा हो तो कृपालु के पॉइंट से वो शामिल हो जाए। कृपालु कृपालु तारो तारो राम
Oh.
प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने